साथियों, शांति और सुरक्षा के बिना विकास संभव ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आपके पास गाड़ी है, बंगलो है, खेत खलिहान है, अच्छी खासी मजेदार जिंदगी है, लेकिन नौजवान बेटा या नौजवान बेटी काम के लिए बाहर गए हो और बेटा या बेटी अंधेरे के बाद घर वापिस न लौटे तो वो बंगला, रुपया, पैसा किस काम का? और बेटे की लाश आ जाए, बेटी की लाश आ जाए तो वो रुपये किस काम के? और इसलिए शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, तभी ये धन हो, दौलत हो, घर हो, खेत हो, बेटे बेटी हो, उनका जीवन बच सकता है। 10 साल में अनेकों दंगे का पश्चिमी यूपी क्या हाल करके रखा है? क्या कोई मेरा उत्तर प्रदेश का भाई बहन इसको भूल सकता है? क्या दंगे यहां की बेटियां, यहां के युवा भुला सकते हैं क्या? मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये लोग सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, उनको अपने कारनामों का कोई अफसोस नहीं है, उन्हें उनकी भूल का भी कोई एहसास नहीं है, इसलिए वैसे ही उम्मीदवार लिए हैं। आप सोचिए, उम्मीदवारों के नाम पढ़ करके पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है। जिस मानसिकता ने पश्चिमी यूपी का इतना नुकसान किया, उसी को आगे बढ़ाने का एक खेल है। जो इनके कैंडिडेट हैं, वो या तो हिस्ट्री सीटर है या फिर दंगावादी है। मैं सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वोट डालने से पहले इनके कारनामे, इनके करतूतों को कभी भी मत भूलना। कमल पे बटन दबाने से पहले उनको याद रखोगे तो लगेगा कमल दबाते समय आप उनको सजा दे रहे हैं, जिन्होंने आपकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और एक बात भूलना मत मेरे भाइयों बहनों, इनको सिर्फ कुर्सी का मोह ऐसा नहीं है, ये लोग बदला लेने की फिराक में है, वो मौके के इंतजार में है। इनको गलती से भी मौका मिल गया तो फिर खेत लहूलुहान हो जाएंगे, फिर दुकानें जलेगी, फिर डर और खौफ का वो काल फिर से लौट आएगा। आप याद रखिए, दबंगों और दंगाइयों से मुक्ति भाजपा का सबसे बड़ा कमिटमेंट है। हमें शांति चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें एकता चाहिए, हमें हमारे बेटे बेटियों का उज्जवल भविष्य चाहिए। आपका एक एक वोट यूपी को दंगा मुक्त रखेगा।